रहमतुल्लाहि व वह कैसे हैं आप सब बहुत दुआ आप लोगों के लिए व तआला आप सबको अपने घरों में सेहत व के साथ रखे और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसको हम कुरान पर इम्प्लीमेंट करने वाले भी हों तो इंशाल्लाह आज हम अपना लेसन नंबर ट्वेंटी थ्री शुरू कर रहे हैं लेकिन हमारी जो मदीना बुक है उसका लेसन नंबर सिक्सु

आज हम इस क्लास में जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं उसमें कोई चीज़ नई नई नहीं, नहीं है इसीलिए आपको कोई नोट्स नहीं आज हम पढ़ने वाले हैं जस्ट हमारी रिविजन है और उसमें हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिंपली हम लेसन नंबर वन में जो पढ़ के आए थे लिल करीब हाजा आज हम जो हैं वो क्या पढ़ रहे हैं का पढ़ रहे हैं और वो क्या है हाज ही ही क्या है यहाँ आपको नज़र आ रहा है पॉइंट हमने लिखे हुए हैं नंबर वन पॉइंट में क्या है कि ही जो है वो इसमें इशारा मोनस के लिए आता है और करीब की चीज़ के लिए आता है लेसन नंबर आठ में हम जमला इसमिया बहुत डिटेल में पढ़ कर आए थे और उसमें हमने सबसे पहले जो बात की थी वो मुफरत खबर की की थी और हमने वहाँ ये भी बात की थी कि मुफरत खबर जो है क्योंकि जमिला इसमिया पढ़ा था ना हमने जुमला इसमिया में हमने कहा था कि दो पार्ट होते हैं एक होता है मुबदा और दूसरा पार्ट क्या है उसका खबर तो वहाँ हमने ये बात की थी कि अगर जो खबर हमने पढ़ी थी वहाँ पर वो सिर्फ हमने मुफरत खबर पढ़ी थी, वन वर्ड खबर और उसमें हमने ये बात की थी कि वन वर्ड खबर जो है वो जेंडर यानी जेंस और अदद के लिहाज से मुबतदा के मुताबिक होती है आम तौर पर और अमूमन तो आम तौर पर यह अमूमन का मतलब क्या है कि जो हमने लास्ट वीक भी बात की कि अपने जहन में हमें हमेशा एक्सेप्शन जो है उसको दिमाग में हमें ज़रूर रखना है कि कुछ सूरतों में खबर जो है वो जिन्स यानी जेंडर और अदद के लिहाज से मुबतदा के मुताबिक नहीं होगी और ये हमने बात क्यों की थी कि हमने कहा था कि कुरान पहले नाजिल हुआ ग्रामर बाद में बनी है तो रूल जो हैं उन्होंने जो बनाए हैं वो अमूमन तो फॉलो करेंगे लेकिन सम टाइम अगर अपने जहन को हमने एक्सेप्शन के लिए भी तैयार रखना है अगर चाहे आपने अभी अदत नहीं पढ़ा है अभी हमने सिर्फ वाहिद क्योंकि अदत में हमने क्या क्या जब हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि वाहिद भी होता है तस्निया भी होता है और जमा में भी होता है तो हमने अभी उसको डिटेल में नहीं पढ़ा तो इन हम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको तस्निया और जमा अच्छी तरह समझ में आएगा लेकिन तस्निया और जमा हमने जब समायर किए थे तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि वहाँ हम ये बात कर चुके थे कि ग्रामर में अरबी ग्रामर में दो के लिए जो है वो जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो तस्निया होता है वाहित जो है वो एक ही लिए आता है और जमा जो है वो दो से ज्यादा जब लोगों की बात करेंगे तो जमा लेके आएंगे और जेंडर में हमने और मोनस के मुतालिक हम पढ़ के आ चुके थे इसमें आज आपकी समाई की भी प्रैक्टिस होगी और हम जो इसमें पढ़ रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि जुमला इसमिया की भी हम प्रैक्टिस करेंगे और उसमें क्या है कि अगर मुबतदा मुशक्र है तो खबर भी मुशक्र होगी मुबदा अगर मोनस है तो खबर भी मोनस होगी तो इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे मरकब इजाफी की भी प्रैक्टिस है और फिर इसी तरह से जार मजरूर की भी प्रैक्टिस है तो जस्ट प्रैक्टिस है तो यहाँ बस थोड़ा सा बताती चलूँ कि अगर मुबतद जो है अगर हमारी मुफरत खबर आ रही है वर्ड खबर है, है तो अगर मुबतदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद होगी मुबतदा तस्निया है तो खबर भी तस्निया में होगी मुबतदा जमा है तो खबर भी जमा में होगी मुबदा मुज़क़्कर है तो खबर भी मुज़क़्कर होगी और मुबतदा अगर मोनस है तो खबर भी मोनस होगी अमूमन या, या तौर पर एक्सेप्शन आपको मिलते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं जब हमने लेसन नंबर वन पढ़ा था तो वहाँ हमने हाजा पढ़ा था अच्छा जुमला इस्मिया के मुतालिक आप अगर आपको दोबारा से उसको देखना है तो लेसन नंबर एट देखिएगा जाकर वहाँ आपको अगेन जो है वो आपकी रिपोटेशन हो जाएगी जुमला इसमिया के मतलब जो कुछ हमने पढ़ा था तो हम यहाँ शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर सिक्स और उसमें हमने वो बात की कि हम सिर्फ क्या देखेंगे आज मुजक्कर मुब्तः है तो खबर भी मुजक्कर होगी मोनस मुब्त है तो खबर भी मोनस होगी ठीक है तो लेसन नंबर वन में जब हमने हाजा पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था हाजा को कि वो इसमें इशारा है और करीब के लिए आता है और मुशक्कर के लिए है जो हमने लास्ट वीक की बात की थी कि इसमें इशारा होना उसकी टाइप है लेकिन वो डिफरेंट पोजिशन लेता है अब चूंकि ये इसम है तो जुमला इसमिया कहलाएगा और जुमला इसमिया के दो पार्ट होते हैं एक मब्त और एक खबर तो जब ये शुरू में आया तो इसकी पोजिशन क्या हुई मुबतद लेकिन अगर मैं आपके इसकी टाइप आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि ये इसमें इशारा है करीब के लिए आता है और है। हमने एक और चीज पढ़ी मशक्कर होते हैं ठीक है ना जब वो मारफा की टाइप में से होते हैं तो मुतदा क्या होता है मारफा तो वो भी आपका एक तरह से रिपीटेशन हो रहा है अब हाजा लेके आए के हाजब हामिदिन वहां तु या से हाजा इब्नू यानी कि ये हामिद का बेटा है वा और वो यासिर की बेटी है ये इसके ट्रांसलेशन है तो इसमें हम देख लेते हैं कि हाजा मुजक्कर आया तो इब्नो भी जो है मुजक्कर है हाजा मुब्तदा है तो इब्नो खबर है और हामिद का बेटा जो है वो क्या बन गया फिर मरकबाफी तो इब्नो की दूसरी पोजीशन क्या हुई मुदाफ और हामिदीन की पोजीशन क्या है मुदाफिल ठीक है फिर वाव हमने पढ़ा था कि हर पे अताफ होता है और उसकी मीनिंग और है और वाव के ही मीनिंग में आता है इनशाला जब आगे हम पढ़ेंगे तो इनशाला देखेंगे उसको अब यहाँ जब वो लेकर आए हाजे ही तो क्यों लाए क्योंकि बिंदु जो है वो क्या है मोहनस तो इसी लिए मुबतद भी क्या है मोनस तो हाज ही बिंदु बिंदु की जो पोजिशन है वो क्या है खबर और दूसरी पोजिशन क्या है इसकी मुताफ क्योंकि यासरिन क्या है यहाँ पर मुताफिले ही करीब है और करीब के लिए वो इशारा करके बता रहे हैं कि ये किसकी बेटी है ये बेटी है यासिर की तो इस तरह से आपने एनालाइज करना है मैं जरा गो थ्रू होंगी जल्दी जल्दी क्योंकि मैंने यहाँ काफी लिख भी दिया है आप लोगों के लिए हर जुमले को मैं एनालाइज जो है वो बोलूंगी नहीं लेकिन ये कि मैं काफी लिख चुकी हूँ उसके ऊपर तो इंशाल्लाह आप देखिए सेकंड जो जुमला है वो शुरू हो रहा है इब्नो हामिद हामिद का बेटा क्या है बैठा हुआ है वाव और, वाके फतुन। और यासिर की बेटी जो है वो क्या है वाकितुन खड़ी हुई है इब्नो से जुमला शुरू हो रहा है तो इब्नो इसम है ठीक है तो उसकी पहली पोजिशन मुब्त हुई और यहाँ पे अगेन याद कीजिए जो, जो लास्ट वीक हमें पढ़ा हमजा वसली शुरू में आया लिखा गया उसकी भी प्रैक्टिस हो गई और इब्नू की दूसरी पोजीशन मुदाफ क्योंकि हामिद का बेटा और ख़बर क्या है जाल सुन तो आप देखिए कि इब्नू जो है वो मुजक्कर है तो खबर भी मुजक्कर आई अभी हम वन वर्ड खबर पढ़ रहे हैं मुफरद खबर है ठीक है फिर जब बिंतु व मौनस लेके आए तो खबर क्या हुई वाकिन यहाँ आपको मोनस कैसे पता चल रहा है इस्ताम से मोनस का जो हमारा चैप्टर था वो भी पढ़िएगा कि ये जो ताम और बुता आया तो ये मोनस की कौन सी टाइपनेस है ये आपने देखना है मन हाज ही अब वो पूछ रहे हैं मन हम पढ़ के आ चुके थे लेसन नंबर सेकंड में ही आ, या आई थिंक फर्स्ट में था कि मन क्या है इसमें इस्तेफाम है और मन का मतलब क्या है कौन तो पूछ रहे हैं कि मन हाज ही ये कौन है इशारा करे किसी की तरफ कि ये कौन है तो अब वो यहाँ जवाब दे रहे हैं हमने कहा था हम सवाल नहीं करेंगे तो उसका जवाब क्या दे रहे हैं क्योंकि ही आया इसका मतलब ये किसी मोहनस के लिए सवाल किया जा रहा है तो जवाब में ख्याल ही हम ही हाजही मोहनदेसी वो पूछ रहे हैं कि ये अल अलमोहदिस का मतलब होता है इंजीनियर के ये इंजीनियर की बेटी है यहां तस्वीर भी आपको नजर आ रही वो तो पूछ रहे हैं कि ये इंजीनियर की बेटी है सवाल कर रहे हैं तो देखिए यहां पर हाथ से ही आया मुतदा खबर भी क्या है मोहनस उख्तू तो, बेटी ये मोहन अल अलमोहसी ये इंजीनियर की बेटी है तो अलमोहदसी क्या है दाखिले ही की दूसरी पोजिशन मुदा ठीक है तो वो ये सवाल उन्होंने किया तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया कि ये इंजीनियर की बेटी है अब वो उसके लिए पूछ रहे हैं हमजा लेकर आए अगेन सवाल पूछ रहे हैं और हमजा क्या है क्या है ये हम शुरू में पढ़ के आ चुके थे हमजतुल तो सवाल पूछने के लिए आता है और आ, ये सॉरी हमजा जो है वो हरफ हर्फ है ठीक है यानी हमजत इस्तफाम हम कहते हैं सवाल पूछने के लिए आता है लेकिन ये हर जब हमजत इस्तफाम आता है तो हमने पढ़ा था कि इसके लिए हमें जवाब लाना पड़ता है और जवाब या तो हाँ में होगा या ना तो हर पे जवाब यहाँ पे वो नफी में लेकर आए हैं और वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या ये भी ऐदन जो है वो पूछ रहे हैं क्या ये भी कौन है मोहन दिसतुन मौनस में आया तो इसीलिए उन्होंने सरवाद में भी वही लिख कराया क्या है ताकि दोबारा उन्होंने रिपीट नहीं किया उखतू को उसकी जगह वो जमीर ले आए ऐदन जो है वो मफूलन क्या है मुतल ये क्या होते हैं ये जब हम इन शह फेल जब हम पढ़ेंगे जिसमें कि हम फेल पढ़ेंगे फाइल पढ़ेंगे फिर हम मफूल पढ़ेंगे आपको वहां पे समझ में आएगा भी आप सिर्फ लिख लीजिए और इसके भी कह सकते हैं ये भी तो ये मतलब होते हैं सिर्फ एक चीज लिख लीजिए ये कि ये जो होते हैं अमूमन मनसूब होते हैं देखिए तनवीन आ रही है ना और इसका नाम क्या है मुतलक अगर तो जो है आपको मफूल बहुत सारे नजर आएंगे मफुल बी ही मफुल तो ये उसकी बहुत सारी टाइप इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे तो अब इससे वापस इतना ही लिख लीजिए ठीक है कि मफूल है आगे हम ये जब उन्होंने सवाल पूछा तो इस्तेफाम से वो जवाब लेकर आए क्योंकि वो इंजीनियर नहीं है वो कौन है डॉक्टर है तो इसलिए वो हरकत जवाब नबी में लेके आए कि ला नहीं तबी बातन की वो कौन है डॉक्टर है और यहाँ आपको नजर भी आ रहा है तो वो अगेन वही चीज हम देख रहे हैं कि हिया जो है वो मोनस के लिए आता है तो खबर भी क्या है मोनस अगेन तामरबूता है या आपके काम है कि देखिए ये मोनस की कौन सी टाइप है तो इनशाला ज्यादा मुश्किल नहीं है हम इसलिए जस्ट गो थ्रू हो रहे हैं आगे वो पूछ रहे हैं कि लेमन लेकर आए और लेमन जब आए हैं तो देखिए यहाँ पर ली हर फिचहर है और मन जो है वो यहाँ पर क्या है इस समय मजरूर तो ये कौन सा कम्पाउंड बन गया फिर जब ली आया तो मन के नीचे हर पर जर आना चाहिए लेकिन हम बात करके आ चुके हैं कि ये मबनी होते हैं कुछ जिसपे कि उनका अराब हमें नजर नहीं आ रहा होता है लेकिन वो पोजिशन लेते हैं तो यहाँ पर मन जो है वो क्या है मबनी है इसका हमें ऐराब नजर नहीं आ रहा लेकिन यहाँ उसकी पोजिशन क्या है इससे मजरूर तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया हम रख और ली के लिए यहां पढ़ के आ चुके थे आता है जब लिमन हो गया तो फिर ये क्या बना किसके लिए या किसकी इसका हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं इसमें एक तरह से ना बिलोंगिंग का मीनिंग आता है जैसे इसकी देखिये लेमन हाज सती अब वो सियारती क्या है ये कार देखिए ये मोनस से तो लिहाजा ही लेकर आए कि ये कार किसकी है या किसके लिए है तो एक ताल्लुक आपको जो है वो नजर आ रहा है तो चूंकि हाजिर ही आया आ, जो है वो मुबदा भी है मोहनस लेकर आए तो खबर भी जो है वो मोहनस आई सयारतु के ये क्या है वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी किसकी है आ, प्रिंसिपल की है ठीक है ये गाड़ी किसकी है प्रिंसिपल की है मुदीर का मतलब यह है यहाँ पे मुतदा मोनस है खबर भी मोनस आई और मुद, मुदीर की गाड़ी तो फिर कंपाउंड आपकी बार बार प्रैक्टिस हो रही है कहीं मुदाफ भी अब यहाँ वो माँ लेके आए थी कि सारे सवाल आप जो हम पढ़ के आ चुके हैं सबके रिपीटेशन है, सब है माँ भी हम पढ़ चुके थे शुरू में माँ भी जो है वो क्या है इस्तेमाल इस सवाल पूछने के लिए आता है अब वो पूछ रहे हैं माँ और मन का क्या फर्क है यह वह हम शुरू में करके आ चुके हैं ये भी इसमें आप लिखेगा अपने नोट्स में माँ किस लिए इस्तेमाल होता है मन किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है माँ जब आया उसके बाद उन्होंने ही पूछा कि ये क्या है अब इशारा कर रहे हैं इसकी तरफ कि ये क्या है तो जवाब में लेकर क्यों ही आए मक की वजह से तामबुता आया क्यों कि खबर जो है वो मुसकर है सॉरी मोनस है मोनस आया तम की वजह से तो हाज ही मुबतदा भी जो है वो मोनस है ठीक है मेक वतुन माने होता है आयरन कोई मुश्किल है इसके अंदर मुझे बताइए बहुत ही इजी इजी है सब तो इसीलिए मैं जल्द से जल्द गो थ्रू हो रही हूं ताकि जो लेसन है हमारा सबसे शॉर्ट हो जाए अब आगे वो पूछ रहे हैं लिमन ही अब वो पूछ रहे हैं कि ये किसकी है या किसके लिए है लिमन आया ना अब अगेन यहाँ पे जवाब में वो क्या लेके आते हैं हाजही ली खालिदिन कि ये खालिद के लिए है अब ली खालीन इसमें ली क्या है हर मशरूर है तो अब ये कौन सी खबर आ गई किसकी प्रैक्टिस हो रही है जार मुझरूर 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 के खबर महसूफ हम ये बहुत पढ़ के आ चुके हैं कि क्या चीज महजूफ़ है ये भी आपको पता होना चाहिए लेकिन अब मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ पर तो मुशक्र आया खालिदीन मुशक्र है तो हाजिर क्यों लाए हाजिर होना चाहिए क्यों आया तो देखिए पीछे जो बात हो रही है ना वो किसके मतलब सवाल कर रहे हैं हाजिर ही क्यों आया है हाजिर मिक्वतिन ये आयरन है उस आयरन के लिए सवाल हो रहा है कि ये किसकी है किसके लिए है किस से ताल्लुक है तो इसका ताल्लुक किससे है खालिस है इसलिए देखिए क्योंकि बात मिक्वतुन की हो रही थी तो इसलिए वो क्या लेके आए हाजिर ये भी आपको समझना है मुबतदा तो हाजिर ही आया किस लिए कि जिस चीज की तरफ इशारा हो रहा है वो क्या है मोनस ठीक है तो होपफुली ये भी आपको बात समझ में आ गई हो इनशा बहुत इजी है आगे अगेन हम जो तो इस्तेफाम लेकर आए हैं साइकिल यहां आपको नजर आ रही है साइकिल को अरबी में क्या कहते हैं दर्रा जातु उसके लिए सवाल पूछ रहे हैं क्या क्या ये साइकिल अनस की है हाजही क्योंकि करीब है उसकी तरफ इशारा करके वो सवाल पूछ रहे हैं हम जब तो, तो इस्तेफाम आया तो फौरन वो जवाब लेकर आए कि नहीं ला ले आए और हाजही से स्टार्ट किया क्योंकि खबर क्या है मोनस तो साइकिल भी जो है वो मोनस है और उसमें ताम और बुता जो है उसकी अलामत है ये कौन सी टाइप है मोनस की आप जरूर लिखिएगा तो ला हाजिर ला हाजही दर्रा जातू अमारे वो कहते हैं कि नहीं ये साइकिल किसकी है अम्मार की है और फिर आगे वो उसको और उसको जो है वो डिफाइन कर रहे हैं कि हाज ही कि ये नई है अब वो हाजा लेके हाज ही लेकर आए क्योंकि जदीदत भी क्या है खबर जो है वो भी मोनस में है वर्रा अनसिम कदीमात और अनस की साइकिल क्या है कदी पुरानी है तो यहाँ पर भी चूंकि मुबतदा आप देखिए इसम की फॉर्म में आया लेकिन मोहनस की फॉर्म में है तो खबर भी वो मोहनस की फॉर्म में लेकर आए अगेन यहाँ पर जो है वो अनसिम की दूसरी पोजिशन मुदाफिली है क्यों कि अनस की साइकिल तो आपकी जुमला इसमिया की भी प्रैक्टिस हो रही है मोहनस की भी प्रैक्टिस हो रही है मुरक्बी दाफी की भी प्रैक्टिस हो रही है और ऊपर जो है हमने खबर की जो दूसरी टाइप है जार मजरूर उसकी भी प्रैक्टिस की है और वन बड़ खबर की तो आपकी कंटिन्यू हो रही है अब यहाँ पे वो गैन लेके आते हैं क्योंकि सातु आया सातु क्या है घड़ी मोनस है तो फिर मुबतदा भी वो मोनस लेके आए ही सातु अली यून। ये घड़ी अली की है करीब है घड़ी कहीं उसके लिए तरफ तो इशारा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये घड़ी किसकी है अली की है फिर इसी तरह से आगे उन्होंने उसको और इम्फोसाइज किया कि आप देखिए यहाँ पर अगेन जो है ना घड़ी नहीं लाए उन्होंने जमीर भी यूज कर ली है मुबतदा के लिए क्यों क्योंकि सातू के पीछे बात हुई ना तो इसलिए जमीर की वो हिया लेकर आए कि हिया यहाँ पर मुबतदा हो गया जमीर रतन खबर हो गई अब जिद्दन क्या है जिद्दन अगेन अगैन मुतलक और इसका भी आप देखिए बस इतना लिखिए कि मुतलक है और इस इसपे जो है ये क्या होते हैं मनसूब होते हैं जिद्दन के मीनिंग क्या है वेरी यानी कि ये घड़ी अः वेरी अः ये घड़ी जैसे कहते ना वेरी आ, ताकीद है, आ, के बहुत ही खूबसूरत है है ना तो हिया जमी लतुन जिदन जिदन के माने होते है वेरी कि ये घड़ी बहुत ही खूबसूरत है एक ताकीद आ गई ना उसके अंदर तो इस तरह से रहेगा आगे हम चलते हैं कि अब दोबारा देखिए यहाँ पर आपकी अगे अगे अगेंद हाजही की प्रैक्टिस है ही मिल अकुन व हाजे ही मिल अकतुन स्पोन के लिए आता है ये सारे आपको मीनिंग जो है पीछे मिल जाएंगे कि किदरुन जो है वो कुकिंग पॉट को हम कहते हैं और ये दोनों जो है देखिए मिल खतुन आप तो आपको पता चल रहा है ताम और से कि ये मोहनस है लेकिन किदरुन से आपको पता नहीं चल रहा लेकिन हाजि ही आया तो इसका मतलब है कि हाजिर क्या है मुबतदा है तो खबर भी हमारी सॉरी हाज ही मुबतदा है लेकिन मोहनस है तो हमारे पास खबर भी मोहनस होनी चाहिए तो किदर फिर क्या होगा समाई वो चैप्टर पढ़िएगा तो यहाँ पर वही अगेन के हाजा मोना से मुतदा है खबर भी जो है वो मोना से और फिर इसी तरह से बात चूंकि मोन से समाई में आता है इसीलिए वो हाज़े से ही लिखा है अब दूसरा सेंटेंस उन्होंने अल अकतू से शुरू किया इसम से शुरू किया मारपा सेम है मुतदा तो फिर वह खबर लेके आए फिलकद्री के स्पून जो है वो पॉट के अंदर है तो यहाँ आपके अगेन जाल मजूर की भी खबर की प्रैक्टिस हो गई आगे वो कहते हैं हाजी ही बकरतु अलफल कि ये काव किसकी है किसान की है मैं थोड़ा सा पेज ऊपर कर बहुत नीचे हो रहा है ये कहते हैं कि ये जो ये गाय है ये किसकी है किसान की है तो मोनस तो फिर मुबतदा क्या आया मोनस हाजिर ही करके लेकर आए इसमें शारा करीब के करीब वो गाय है कि तो मुबतदा क्या हुआ हाजिर ही हुआ बकरत ख़बर हुई और फिर से दूसरी पोजिशन अगेन मुदाफ अलफ अल्लाह मुदाफिल ही के किसान की गाय है तो यहाँ पे लेके आते हैं मुजक्कर और फिर वो दोबारा लेके आते हैं हमारे बॉडी के पार्ट के हाजा लेकर आए कि नोज नोज क्या है मुजक्कर हाजा फमुन हमारा जो माउथ है वो भी क्या है मुजक्कर तो इसलिए वो यहाँ पर हाजा लेकर आए के हाजा अनफुन हाजा फमुन हाजा मुजक्कर तो खबर भी मुजक्कर लेकर आए ठीक है ये हमारे बॉडी के पार्ट है बॉडी के कुछ पार्ट हमारे मोनस होते हैं वो यहाँ पर इसके लिए वो लेकर आए हाजे ही उस उस क्या है मोनस समाई में आता है और है वो भी मोनस समाई है तो लिहाजा मुबतदा जो है वो मोनस तो खबर भी मोनस सिर्फ यही समझा रहे हैं इसी तरह वहाजुन ये मोन से समाई है इसलिए यहां पर से ही आया वहाजल रिजलुन जो है वो को कहते हैं तो यहाँ पर ये यह भी जो है वो मोनस है इसलिए मुबतदा भी जो है वो मोनस आया कुछ मुश्किल था इसके अंदर नहीं खत्म हो गया लेसन बिल्कुल सिंपल अब यहाँ पर एक्सरसाइज है कि रीड एंड राइट और उसमें भी आपने कुछ नहीं करना सिर्फ आपने एनालाइज करना है और यही चीज देखनी है कि हाजा अगर मुबतदा आ रहा है तो खबर सॉरी हाजा मुबतदा आया है मुशक्कर है तो खबर भी मुशक्कर में है और अगर मुबतद मोहनस है तो खबर भी, भी मोहनस होनी चाहिए सिंपल ये सब आपने खुद करना है या होमवर्क नहीं है ये कोई नई चीज नहीं है जो हमने पढ़ा वो सब हमारी रिविजन ही हो रही है तो इसलिए इसमें आई थिंक आपका कोई होमवर्क भी नहीं होगा सिर्फ आपने देखना है और अपने पास लिखना है जब मैं आपसे कहती हूँ खुद करना है तो प्लीज किया कीजिए आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर भी देखिए उन्होंने सिर्फ आ, आ, बता रहे हैं कि रीड द एग्जाम्पल एंड सेंटेंसेस ऑन ऑन दिस पैटर्न उन्होंने एक पैटर्न आपको बता दिया है कि मोहम्मद वही है प्रैक्टिस कि मोहम्मद क्या है तो खबर भी मुस्कर है आमीन लेकर आए मोनस लेकर आए मुतदा को तो खबर भी जो है वो मोनस आनी चाहिए और यहाँ पर वो तालिब से, से बनता है ये भी हम कर चुके थे ताम्र बुता का इजाफा करते हैं तो उससे पहले हमें पहले वाले जो हमारा उसका हर्फ है जैसे यहाँ तनवीन है तो तनवीन को हटा के हम एक पता लगाते हैं आप जाके पुराने लेक्चर देखिएगा वहां भी आपको ये मुजक्कर से मोनस बनाने का तरीका भी हमने पढ़ा था सेम इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर दूसरा पैटर्न बताया कि हामिदुन मुजक्कर है तो तभी बुन आया खबर लेकिन जब हम फाति मतू करते हैं तो फिर हम तभी त, तभी बबुन तर्भ, सॉरी तभी बुन को तो अभी बातुन कैसे करेंगे ये आपने करना है कुछ भी मुश्किल नहीं है सेम इसी तरह हुआ मुस्लिम अब जमीर ला के भी उन्होंने बता दिया कि मुजक्कर जमीर लेकर आए तो खबर भी मुजक्कर है मोन जमीर है तो फिर हमारा खबर भी मोनस होना चाहिए हुआ मुस्लिम तो तो ये भी कुछ आपका होमवर्क नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी है आपने सिर्फ पैटर्न को फॉलो करते हुए इन सबको मुजक्कर बनाना है इसमें भी कुछ नहीं है करेक्ट द फॉलोइंग देंटेंसेज उसमें क्या करेक्ट करना है कि हकीबतु जब वो लेकर आए तो मन हाजा उन्होंने जब किया तो इसमें गलत किया था हाजा नहीं होना चाहिए था क्योंकि क्या है मोन तो यहाँ पे हाजिर ही आना चाहिए था तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें बाकी इन तीनों में क्या रॉन्ग है ये अपने पास जरूर कीजिएगा ये भी आपका होमवर्क नहीं है क्योंकि बिल्कुल सिंपल है आप माशाला काफी पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई चीज नहीं, नहीं है इसमें भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि आखिरी पे जो है आपको ऐराब लगाना है कि कौन सा ऐराब है तो वो कोई मुश्किल है उसमें बिल्कुल मुश्किल नहीं है तो इसमें भी क्योंकि इकरा मकतुब पढ़ी और लिखिए मा जबती और वा, वा, आखिर कदम पर जो भी आना चाहिए वो तो मैंने कुछ लगा दिए हैं ही होना चाहिए ही। अब आगे इसमें क्या आना चाहिए मैं खुद ही बोल रही तो हूँ क्या मुश्किल नहीं है कुछ भी तो इसीलिए आपका कोई होमवर्क नहीं है कल में जो जो हैं वो यहाँ पर लिखे हैं इसकी मीनिंग आपको मिल जाएंगे अल अलमिकवत आयरन है अल बखतु आपको पता है ये सब आपको पता है नाफिजतु खिड़की को कहते हैं अदर्रा जतु बा है असला जतु जो है वो फ्रिज के लिए आता है जिदन का मतलब जो है वो वेरी जो हम कहते हैं ना कि बड़ी ही तो इसलिए वो हमारे से अमूमन बिग निकल रहा होता है जबकि इसकी मीनिंग क्या है वेरी ठीक है मैंने इसलिए लिख दिया आपको सब पता चल गया इसमें आपको शायद लग रहा हो तो ये टी के लिए आता है अलकावतू कॉफी हमारा कहवा उसके लिए आता है और सर ये उनका मतलब क्या है पास्ट बिल्कुल ईजी है सॉरी आगे चलते हैं पॉइंट ऑफ रिमेम्बर में उन्होंने सिंपली बताया है कि इसमें हमें क्या लर्न किया है हम हाजे ही हमने पढ़ा जो कि मोहनस के लिए आता है और हाजा हम पढ़ चुके थे ही के लिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है तो वो अलीफ जो है वो उन्होंने क्या किया है राइटिंग में नहीं लिखते ओमिटेड कर दिया है हम इस तरह से लिखते हैं ठीक है थीके? और अगेन उन्होंने हाजिर ही वल्ला मुसक्कर मुसक्कर मोनस और मोनस के लिए आपने इसमें इशारा लेकर आए यहां उन्होंने अगेन बता दिया है कि मुदर्र सुन है उसको आप किस तरह से करते हैं तामरबूता लगाते हैं और फिर उससे पहले पता लगाते हैं ये हम बहुत दफा अपने पीछे कर चुके हैं प्रैक्टिस तो कोई नई चीज उसके अंदर नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रही ये सब आपको पता है हम पढ़ के आ चुके हैं ये कौन से टाइप में आते हैं मोनस के ये आप अपने पास जरूर लिखिएगा अगेन उन्होंने बताया है कि कुछ जो है डबल मेंबर ऑफ द बॉडी आर यूजली फेमिनिन है और सिंगल मेंबर जो है वो मस्क्यूलिन है और यहाँ पर उन्होंने उसका आपको लिख के बता दिया है कि कौन कौन से है यदुन रिच लुन जो हैं ये सब हम हम पर क्या आ चुके हैं रासुन अनफुन फमुन क्या है masculine? आगे उन्होंने अगेन ली जो हमने इसमें पढ़ा था प्री है ली आप सब जानते हैं और इसका उन्होंने कहा है जिसमें कहा था ना कि बिलोम के मीनिंग आते हैं

ये हम पढ़ के आ चुके थे कि जब कभी ये होता है कि जब हम ली के साथ किसी चीज को मिलाते हैं यहाँ देखिए ली हामिदिन ये ऐसे था ली हामिदिन लेकिन जब अलीफ नाम आया तो हमने इस अलीफ को जो कि वसल के तौर पर है इसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं और इस फॉर्म में आ जाता है ठीक है सिर्फ यही बता रहे हैं यहाँ पर अगेन लेमन हाजा ये किसकी है लेमन किताबो किताब किसकी है ये बता रहे हैं और फिर उसके बाद ये सिर्फ उनका बताने का मकसद ये है कि मन जो है वो उसके नीचे जो है वो हम पढ़ चुके थे ना क्योंकि मन क्या है इसका यहाँ पर अराब जो है वो मत नहीं है ठीक है आगे उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि लेमन हाजा अगर नहीं है लेकिन अल अगर आ रहा है तो फिर आप इसको क्योंकि अल आया है ना आप दो हमजा आ गए तो अब अब यहाँ पर भी अगर आप उसको सुकून ही रहने देंगे ऊपर की तरह तो फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए उन्होंने यहाँ उसको कसरा लगा दिया जब अल आया और उसको अपना कैसे पढ़ा लीमन नील नून को हमने किससे मिला दिया आ, लाम से मिला दिया तो जब अलीफ लाम वाले आ, आपको मिलेंगे इससे तो तब अगर उससे पहले लीमन आ रहा है तो लेमन के सुकून के बजाय आप कसरा लगा देंगे फॉलो करेगा फ्लाम को यहाँ पर वो ये बता रहे हैं आगे जो है आपको अगेन मतलब के बता रहे हैं कि आयतन की मीनिंग क्या है आसो और जिदन के मीनिंग क्या है वेरी ठीक है वैरी। ना हाजा कबीर जिदन ये बड़ा है बहुत वेरी जो है उसकी मीनिंग में आता है वजालिका आयतन जमील और वो खूबसूरत है अब भी, भी मुझे बताइए कोई मुश्किल था इस लेसन में खत्म आपका ये लेसन आप लेसन नंबर बल्कि आप देखिए सेवन और तो अलहमदल इसमें कोई चीज नई नहीं, नहीं थी जैसे आपकी रिपीटेशन है सब चीजों की जो कुछ हमने पढ़ा बस जो चीज इसके अंदर थी वो हमने प्रैक्टिस की कि मुबतदा अगर मोहनज है तो क्या होगा सॉरी खबर भी मोहनस होगी तो वहां पर हमने मोस्टली जो है जो चैप्टर वो लेकर आए थे उसके अंदर उन्होंने क्या लेकर आए थे हाजही हाजही के मुतालिक और खबर उसके मुतालिक आने चाहिए वो हमने पढ़ा हमारी यहीं पर अपनी क्लास खत्म करते हैं इनशाला